हेलो बच्चों, आज हम क्लास फिफ्थ की सामाजिक अध्ययन की बुक का पार्ट नौ करेंगे, कागज और मुद्रण। बच्चों, कभी कभी कोई आविष्कार इतना महत्वपूर्ण होता है कि यह लोगों की कार्य करने की प्रणाली को हमेशा के लिए बदल देता है। ऐसा ही लगभग 2000 वर्ष पूर्व हुआ, जब चीन में कागज का आविष्कार हुआ। कागज के आविष्कार से इंसान याद करने की बजाय अब उन सारे तथ्यों और चीजों को लिख सकता था और उसका लेखा रख सकता था। इस लेखे को वह कहीं भी अपने साथ आसानी से ले जा सकता था। पहले व्यापारी अपने माल का लेखा चिकनी मिट्टी की पट्टियों पर लिखकर रखते थे, अब यह लेखा वे कागज पर लिखकर रख सकते थे। कागज पर लिखी जाने वाली पहली पुस्तकें धार्मिक और वैज्ञानिक पुस्तकें थी। कागज के आविष्कार के बाद लोगों ने इस पर लिखने के विभिन्न तरीके ढूंढ लिए। कुछ लोगों ने इस पर पक्षियों के पंखों से बनी कलम और स्याही से लिखा। चीन के लोगों ने लकड़ी के टुकड़ों पर संदेश उकेर कर उस पर स्याही लगाई और इसे कागज पर दबाकर छाप दिया। छपाई का यह तरीका आज भी इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक को ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। चीन वासियों ने इसी तकनीक से दुनिया की पहली कागजी मुद्रा छापी। 500 वर्ष से भी पहले जर्मन सुनार योहान गुटनबर्ग ने धातु के अक्षर बनाए। इन अक्षरों को हाथ से दबाकर कई बार छापा जा सकता था। उस समय पत्रिकाएं इसी प्रकार छपती थी। फिर गुटनबर्ग ने एक छापने की मशीन या छपाई प्रेस का आविष्कार किया। इससे क्या हुआ कि अब पूरा पेज एक बार में ही छापा जा सकता था। गुटनबर्ग ने जो पुस्तक सबसे पहले छापी वह ईसाई धार्मिक ग्रंथ बाइबल थी। छपाई के आविष्कार के कारण एक आम आदमी भी लिखित शब्दों से परिचित हो गया। जनसंचार की ओर यह पहला कदम था। अब आता है कि जनसंचार किसे कहते हैं। तो बच्चों, एक ही समय में कोई भी सूचना जब बहुत से लोगों के पास पहुंचाई जाती है तो उसे जनसंचार कहते हैं। किताबें केवल विद्वानों और पुजारियों के लिए ही नहीं थी, अब इन्हें अन्य लोग विभिन्न स्थानों पर सस्ते मूल्य पर खरीद व पढ़ सकते थे। जो कंपनियां बिक्री के लिए इन पुस्तकों को अधिक मात्रा में छापती थी उन्हें प्रकाशक कहते हैं। अब छपाई के आविष्कार के बाद समाचार पत्र छपने लगे। इससे जनसंचार का एक महत्वपूर्ण साधन शुरू हुआ। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी समाचार पत्रों द्वारा अपने विचार जनता तक पहुंचाते थे। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका और हरिजन समाचार पत्र का संपादन किया। आदि मानव ने गुफा की दीवारों पर औजार से खरोचकर चित्र बनाए। फिर चिकनी मिट्टी की खोज हुई और लोगों ने मिट्टी की पट्टियों पर लिखना शुरू किया। लिखने के लिए पहले पेन बांस से बनाए गए। लोग बांस के टुकड़ों को एक तरफ से नुकीला बनाकर उसे निब का आकार देने के लिए काटते थे। पक्षियों के पंख से बनी कलम सबसे प्रचलित कलम थी। इसका प्रयोग लगभग 1000 वर्षों तक होता रहा। बत्तख और हंस जैसे विभिन्न पक्षियों के पंख से ही इस प्रकार की कलम बनती थी। बच्चों, एक चीनी दार्शनिक ने 4000 से भी अधिक वर्ष पूर्व स्याही का आविष्कार किया। यह भारत में बनाई जा रही स्याही की ही तरह थी। भारत में प्राकृतिक रंगों को बनाने की एक लंबी परंपरा है। भारत में ये रंग नील, हल्दी के पौधे, पलाश के फूलों इत्यादि तथा लोहे और कांसे जैसी धातुओं से बनते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हो जिस पेंसिल का आप लोग उपयोग करते हो इसका आविष्कार 500 वर्ष पूर्व हुआ था। इंग्लैंड में ग्रेफाइट नाम के नर्म पत्थर की खोज हुई। इससे कागज पर लिखने और चित्र बनाने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता था, परंतु ग्रेफाइट बहुत नरम था, लिखते समय जल्दी ही टूट जाता था। फिर इसे लकड़ी के दो टुकड़ों के बीच बांधकर प्रयोग में लाया गया। यह तरीका आज भी अपनाया जाता है। आज ग्रेफाइट को और अधिक मजबूत बनाने के लिए इसमें चिकनी मिट्टी मिलाई जाती है। मनुष्य ने हमेशा अच्छे पेन और अच्छी स्याही बनाने का प्रयास किया। पंखों वाले कलम के बाद बॉल पॉइंट पेन के आविष्कार से पेन से स्याही निकलने का खतरा भी नहीं रहा। 1960 में फेल्ट टिप पेन या फेल्ट पेन का आविष्कार हुआ। वैसे तो अब बाजार में तरह तरह के पेन उपलब्ध हैं, परंतु
क्या तुम जानते हो कि अंतरिक्ष में अत्यंत परिष्कृत पेन भी प्रयोग में नहीं लाए जा सकते हैं। इन सब में शाई निकल जाती है। लगभग 130 साल पहले अमेरिका के एक इंजीनियर ने टाइपराइटर का आविष्कार किया। टाइपराइटर पर टाइप करना हाथ से लिखने की अपेक्षा तीव्र और साफ सुथरा था, इसीलिए यह साधन शीघ्र ही संचार में प्रसिद्ध हो गया था। जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तो पहले पहल इसे केवल गणना के लिए कैलकुलेटर की तरह प्रयोग में लाया गया। शीघ्र ही आविष्कारों ने इसके अन्य उपयोग भी ढूंढ निकाले। कंप्यूटर की कीबोर्ड से टाइप करना भी तीव्र था। आजकल बहुत से कार्यालयों में टाइपराइटरों का स्थान कंप्यूटरों ने ले लिया है। कंप्यूटर का उपयोग भवनों के डिजाइन बनाने, लेखा रखने, किताबें लिखने और इनका डिजाइन तैयार करने में होता है। और तो और आपकी सामाजिक अध्ययन की किताब भी कंप्यूटर पर लिखी गई है। कंप्यूटर में पूरे संसार को आपस में जोड़ने वाले एक नेटवर्क, जेट विमानों के परिचालन तथा करोड़ों पेजों की सूचना संग्रहित करने के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। कंप्यूटर में भी अत्यंत तेज गति से सुधार हो रहा है। हर कुछ महीनों के बाद कंपनियां नई और तेज और अत्यंत प्रभावशाली मशीनों का निर्माण कर रही है। बच्चों, क्या आप जानते हो अमेरिका और यूरोप की कंपनियां कंप्यूटर के प्रोग्राम बनाने के कार्य के लिए भारतीय कंप्यूटर इंजीनियरों को नियुक्त करती है। बच्चों, अब हम करेंगे इसके खालिस्तान भरो। पहला खालिस्तान है, डैश और डैश कागज पर लिखी जाने वाली पहली पुस्तकें थी। तो इसका उत्तर है धार्मिक और वैज्ञानिक कागज पर लिखी जाने वाली पहली पुस्तकें थी। सेकंड खालिस्तान है, पंख कलम पक्षियों के पंखों से बनाए जाते थे। जो पंख वाले कलम थी वो पक्षियों के पंखों से बनाई जाती थी। थर्ड है, पहले कंप्यूटर मुख्यतः गणना के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। सबसे पहले जो कंप्यूटर था उनका आविष्कार ही गणना के लिए यानी कैलकुलेशन के लिए हुआ था। फोर्थ खालिस्तान है, कार्यालयों में अब डैश का स्थान डैश ने ले लिया है। किसने ले लिया है? टाइपराइटरों का स्थान कंप्यूटर ने ले लिया है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के प्रोग्राम सर्जन के लिए अमेरिका और यूरोप की कंपनियां दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध है। तो इस खालिस्तान में आएगा अमेरिका और यूरोप की। नेक्स्ट है, मिलान करो। पहला है कागज का आविष्कार, तो कागज का आविष्कार हुआ था चीन में। नेक्स्ट है, छपाई की प्रेस का आविष्कार, छपाई की प्रेस का आविष्कार हुआ था, जो कि जिसने किया था वो था योहान गुटरबर्ग। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा संपादित समाचार पत्र, तो उसका नाम था हरिजन। नेक्स्ट है, कंप्यूटर पर टाइप करने वाली युक्ति, कंप्यूटर पर हम जिससे टाइप कर सकते हैं उसका नाम है कीबोर्ड, तो इसे कीबोर्ड से मिला दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित की पहचान करो। फर्स्ट है, लकड़ी के टुकड़े पर संदेश उकेर करके स्याही लगाकर छापना क्या कहलाता है? ब्लॉक प्रिंटिंग। नेक्स्ट है, गुटेनबर्ग द्वारा संसार में सबसे पहले छापी गई पुस्तक थी ईसाई धर्म की बाइबल। नेक्स्ट है, बिक्री के लिए अधिक मात्रा में पुस्तक छापने वाला प्रकाशक कहलाता है, प्रकाशक। नेक्स्ट है, संसार में एक दूसरे तक अपने विचार पहुंचाने के लिए कंप्यूटर पर उपयोगी माध्यम है ईमेल। ईमेल की सहायता से हम एक जगह से दूसरी जगह पर कंप्यूटर से मेल यानी अपना संदेश भेज सकते हैं। नेक्स्ट है, लकड़ी के दो टुकड़ों के बीच ग्रेफाइट बांधकर लिखने के लिए बनाया साधन कहलाता है पेंसिल। नेक्स्ट है, भारत में प्राकृतिक रंग बनाने के लिए उपयोगी पौधे हैं हल्दी, पलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही के सामने सही का निशान और गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाओ। पहला है, पहले व्यापारी अपने माल का लेखा चिकनी मिट्टी की पट्टियों पर रखते थे, तो यह सही है क्योंकि जब आविष्कार नहीं हुआ था कागज का। नेक्स्ट है, पुस्तकें केवल विद्वानों और पुजारियों के लिए ही होती थी, यह गलत है, पुस्तकें तो सभी के लिए होती है। नेक्स्ट है, कोई सूचना बहुत से लोगों के पास एक साथ पहुंचाने को जनसंचार कहते हैं, यह सही है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री लिखने के लिए अच्छे पेन का उपयोग करते हैं, यह गलत है क्योंकि अंतरिक्ष यात्री पेंसिल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, भारत में 100 से भी अधिक भाषाओं में समाचार पत्र छपते हैं, यह सही है।
नेक्स्ट आते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किसने किया? उत्तर है, कागज का आविष्कार चीन ने किया। चीन एक देश है, तो वहां पर रहने वाले लोगों ने कागज का आविष्कार किया। सेकंड प्रश्न है, कागज का आविष्कार महत्वपूर्ण क्यों था? उत्तर है, कागज का आविष्कार महत्वपूर्ण था क्योंकि अब इंसान याद करने की बजाय उन सारी चीजों को लिख सकता था, उसका लेखा रख सकता था। इस लेखे को वह कहीं भी अपने साथ आसानी से ले जा सकता था, इसीलिए कागज का आविष्कार बहुत उपयोगी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छपाई प्रेस के आविष्कार से विश्व में क्या परिवर्तन आए? उत्तर है, छपाई प्रेस के आविष्कार से अब एक पूरा पेज एक बार में ही छापा जा सकता था और इसके कारण एक आम आदमी भी लिखित शब्दों से परिचित हो गया। यह जन संचार की ओर पहला कदम था। फोर्थ क्वेश्चन है, दिल्ली में छपने वाले 3 समाचार पत्रों के नामों की सूची बनाओ। उत्तर है, जो दिल्ली में छपने वाले 3 समाचार पत्र है वो है नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान टाइम्स। ये 3 अखबार दिल्ली में बहुत ज़्यादा मात्रा में छपते हैं और लोग उन्हें पढ़ते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा क्लास 5th का सामाजिक अध्ययन का पार्ट 9, कागज़ और मुद्रण। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहें, और हमारे चैनल के बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन आए।